Yes, good morning student. How are you? Get ready for GK class. You know children, last week what we learned? हमने क्या पढ़ाई की थी? Yes, हमने की थी domestic animal. Last week समझाया था ना domestic animal क्या है? पालतू जानवर. पालतू जानवर जिसको हम घर पे रखते हैं वो हमारे काम आता है और हम उसके काम आते हैं. जैसे कि हम गाय रखते हैं घर पे, भैंस रखते हैं, कुत्ता रखते हैं, बिल्ली रखते हैं. जैसे गाय को हम लोगों ने ध्यान से उसको सब कुछ देखभाल किया, घास सब कुछ खिलाया, उसको चारा वारा खिलाया, तो वो हमें क्या देती है? दूध. यस, वो हमें दूध देती है. भैंस भी देती है, बकरी भी देती है. हाँ, हमको बहुत सारा दूध देती है, इसलिए हमको उसको ध्यान से देखना चाहिए. यस चिल्ड्रन, लेट अस वी लर्न. टेक आउट योर जीके बुक. यू टेक दिस वन, पेज नंबर 18. आपको पेज नंबर 18 निकालना है. यस, फॉर्म एनिमल्स. अब मैंने पहले भी बताया था, ये जानवरों को हम घर पे पालते हैं. यस, मैं पढ़ाई करती हूँ, पहले आप ध्यान से देखना, ठीक है? यस, काउ, बफेलो, ऑक्स, गोट, शिप, हॉर्स, डोंकी, हैन, डक. यस, वंस अगेन, काउ, बफेलो, ऑक्स, गोट, शीप, हॉर्स, डोंकी, हैन, डक. यस, अभी मैं बोलती हूँ, आप मेरे पीछे पीछे रिपीट करना, ओके? यस, डोमेस्टिक एनिमल्स आर काउ, काउ, बफेलो, बफेलो, ऑक्स, ऑक्स, गोट, गोट, शीप, शीप, हॉर्स, हॉर्स, डोंकी, डोंकी, हैन, हैन, डक, डक. अभी हमको कौन सा एनिमल दूध देते हैं? काउ, बफेलो, गोट, शीप. इसके हम लोग दूध यूज करते हैं, है ना? और ये ऑक्स का किस लिए यूज करते हैं? ये ना खेतों में ले जाते हैं इसको खेत जोतने के लिए, फिर बैलगाड़ी में साथ में ले जाते हैं बैल बंडी चलाने के लिए, और ये हॉर्स भी टांगा चलाने के लिए यूज करते हैं. और ये शिप का क्या करते हैं? उसके जो बाल होते हैं ना वो निकाल के फिर उससे मम्मी हमारे लिए स्वेटर बुनती है, है ना? स्कार्फ, स्वेटर, मफलर इसके बालों से करते हैं. और डोंकी केस में यूज आता है, ये ना बहुत सारा बोझा उठा के ले जाता है, जैसे यहाँ से दूसरे जगह जाने के लिए सामान ले जाता है, जैसे गेहूं, जैसे हो गया घास, ऐसे सब चीज इसके कंधे पे रख के ले जाते हैं. और गोट का क्या करते हैं हम? गोट को, गोट का मीट खाते हैं. और ये हैन का, हैन का भी चिकन खाते हैं, डक को भी खाते हैं. और हैन और डक क्या करता है? एग देता है, अंडा देता है. क्या देता है? अंडा देता है. यस, ये हमारे इस तरह से काम आता है, ठीक है? हम लोग फिर से वंस अगेन और लर्न करते हैं. डोमेस्टिक एनिमल्स आर काउ, बफेलो, ऑक्स, गोट, शीप, हॉर्स, डोंकी, हैन, डक.
अभी मैम ने आपको फिंगर रख रख के लर्न करवाया ना, आपको भी ऐसे फिंगर रख रख के लर्न करना है, ठीक है। अब मैं जो पूछूंगी वो आपको एनिमल बताना है कौन सा है, ठीक है। विच एनिमल दिस वन, कौन सा एनिमल है ये? यस हॉर्स। कौन सा ये? हॉर्स। देन ये वाली क्या है? ये कौन सी है? ये हैन। यस ये कौन सा है? ये हैन। देन विच वन एनिमल, ये कौन से एनिमल है? यस काउ। कौन सा है ये जानवर? काउ। एंड दिस वन? यस डोंकी। क्या है ये? डोंकी। ये क्या दिख रहा है काला काला? ये कौन सा एनिमल है? बफेलो, भैंस। बफेलो। यस इस तरह से आपको फिंगर रख रख के लर्न करना है। और देखो बच्चों, आप पेज टर्न करो, बुक टर्न करो, आपको ये दिखेगा। क्या दिखेगा? मैच इज एनिमल विद द प्रोडक्ट इट गिव्स। कौन सा एनिमल क्या देता है? मैंने अभी क्या एक्सप्लेन किया था तुमको यहाँ पर, कौन सा एनिमल क्या क्या देता है वो मैंने आपको यहाँ पर समझाया था। जिसको जिसको समझ में आया ना, वो यहाँ पर जोड़ी बनाना है, मैच करना है। जैसे ये क्या है? काउ। काउ हमें क्या देता है? यस मिल्क। ये क्या है? शिप। शिप क्या देता है हमें? पूल। देन दिस वन क्या है? ये हैन। हैन हमें क्या देता है? एग, है ना। इसी तरह से आपको मैच करना है। और कलर द फॉर्म एनिमल्स, इसमें से ना जो घर में रखते हैं ना वो एनिमल को ही कलर करना है, बाकी को नहीं करना है। जैसे यहाँ पर क्या दिया है? काउ दिया है, लायन, हैन दिया है। इसमें से फॉर्म एनिमल कौन सा है? डोमेस्टिक एनिमल्स कौन सा मैडम ने पढ़ाया है, उसी चीज को आपको कलर करना है। ओके स्टूडेंट, बाय, थैंक यू।